कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी पेप सब्सिडी है, कभी क्या है, कभी कुछ है, ओला एस वन एयर है या प्रो है या क्या है, ये ओला ने इतना कंफ्यूज कर रखा है। ठीक है, कभी कहती है ये करेंगे, कभी कहती है वो करेंगे। अरे भैया करोगे क्या, कन्फर्म तो करो। ठीक है, कभी आप प्राइस बढ़ा देते हो, कभी आप घटा देते हो, कभी उसी चीज़ का किसी चीज़ का प्राइस आप किसी और चीज़ के लिए लेते हो, कभी और किसी चीज़ के लिए लेते हो। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आज हम जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बात करने वाले हैं इस सारे कन्फ्यूजन का कंक्लूजन क्या होगा। आखिर हमने 31 तारीख से पहले कोई ईवी बुक करा रखा है और अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब उसके बाद क्या होगा, क्या हमें प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, या मैंने बहुत पहले स्कूटर बुक करा रखा है और उसकी प्राइस उस समय डिसाइड कुछ और थी और आज फेम टू सब्सिडी की वजह से प्राइस कुछ और होने वाली है, तो क्या मुझे और एक्स्ट्रा पे करना होगा। कंपनियों का गेम क्या है, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने आप को नंबर वन पे थी और अपने आप को नंबर वन पे मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ कर रही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओला के जितने भी कस्टमर हैं उन सबके कंफ्यूजन से। ठीक है, ओला वाले कस्टमर, ओला के जितने भी कस्टमर्स हैं नए और पुराने, सब कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि आगे क्या होगा। 31 मई के बाद 1 तारीख 1 जून से कौन सी चीज है जो अप्लाई होगी, क्योंकि ओला ने सबसे पहले ये डिसाइड करते हुए रेट को कहीं ना कहीं कम ज्यादा करना शुरू कर चुकी है और उसका खामियाजा कस्टमर को भुगतना पड़ेगा। कितना भुगतना पड़ेगा, कैसे होगा, आखिर ये कौन सी चीज है जिसको ये उठापटक करते हुए रेट को कम और ज्यादा कर रही है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन पे कुछ कंक्लूजन निकालने का प्रयास करते हैं और देखते हैं सबसे पहले ये प्राइस लिस्ट, हमारा ये ओल्ड रेट और ये हमारा न्यू रेट। जी हाँ, हमारे पास है कि ओला के पास अभी कहीं ना कहीं दो मॉडल अवेलेबल है, तीसरा मॉडल अभी आया नहीं है, एयर की बात थोड़ी देर बात करेंगे। जिन्होंने बुक करा रखा है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी खबर है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसके रेट को देखते हैं, तो अभी का प्राइस अगर देखें तो अभी बढ़ के हो चुका है 139, मतलब 139,999। कह सकते हैं कि ये हमारा ओल्ड प्राइस था और ये हमारा न्यू प्राइस बन चुका है। अच्छा, अगर ये ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस की अगर बात कर रहे हैं तो भैया ये ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस में जो 15,000, लगभग 15,000 का जो डिफरेंस देखा गया है, वो क्या 15,000 का डिफरेंस फेम टू सब्सिडी की वजह से देखा गया है, या फेम टू सब्सिडी आने के बाद अप्लाई होने के बाद प्राइस और भी बढ़ सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये 4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है और 4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ अगर कम से कम 30,000 से 35,000 का डिफरेंस देखना चाहिए। ठीक है, तो भैया ये ओला वाले ने कौन सा ऐसा जादू कर दिया कि 15,000 बढ़ा के ही उसने 4 किलोवाट को मैनेज कर दिया, तो वो जादू आपको हम दिखाते हैं। आइए देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गौर से आप देखें तो एक शोरूम 1,24,999 रुपया जो था वो प्राइस था 1,63,000। जी हाँ, 1,63,549 रुपये का स्कूटर जो कंपनी अपना प्राइस रखी थी, इसमें चार्जर इंक्लूड था। इसके बाद 21,000 रुपये का यही है झोल, हम कह सकते हैं ये 21,000 रुपया परफॉर्मेंस अपग्रेड के रिगार्डिंग, जैसे आपने देखा OS 3 आया, आने वाले दिन में OS 4 आएगा, इस तरह के बहुत सारे परफॉर्मेंस अपडेट को लेकर कंपनी 21,000 रुपया आपसे ले रही थी। अब ये कंपनी क्या कर रही है कि जैसे हमारा प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 21,000 के साथ और 1,63,000, और इन दोनों को मिलाने के बाद आप देखेंगे कि 60,000 रुपये का गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। आपको पता है कि 15,000 पर किलोवाट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उस हिसाब से 60,000 डिस्काउंट करके ये कुल मिलाकर 1,24,999 का आ रहा था मार्केट के अंदर, वो भी 100 रुपये प्राइस, इसमें आपके रोड टैक्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। तो ये लगभग जो है वो 1,60 के आसपास, 1,55, 1,58, 1,60, जैसा जैसा आप उसके अंदर फीचर्स ऐड करेंगे वो ऐड होते चला जाएगा। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो 1,39,000, 40,000 के अंदर ये आ रहा है, जिसपे आप देखेंगे तो ये जो 21,000, जी हाँ, ये जो 21,000 जो परफॉर्मेंस अपग्रेड के नाम पर लिया जा रहा था वो कंपनी कहीं ना कहीं सीधा इसको क्या कर चुकी है, तो कट कर चुकी है। मतलब 21,000 का डायरेक्ट आपको फायदा दे रही है कंपनी, और उसके साथ साथ ये जो कंपनी को ये जो लॉसेस हुए हैं, जो सब्सिडी जो मिल रहा था वो कम हुआ है, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 60,000 और कहीं ना कहीं 22,000, तो लगभग 38,000 रुपये का डिफरेंस वो आपको दिखना चाहिए था, लेकिन वो 37-38 ना दिख के आपको मात्र 15,000 का डिफरेंस दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 21,000, ये जो कंपनी 21,000 जो ले रही थी परफॉर्मेंस अपग्रेड के नाम पर, वो अब आपसे नहीं लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि कब तक नहीं लिया जा रहा है, आने वाले 1 जून से हो सकता है ये आपको अपग्रेड के नाम पे पैसा इंक्लूड भी मिले, तो आपको लगभग 35,000 का 37,000 का आपको उछाल दिखने वाला है। ठीक है भैया, अच्छा अगर हम S1 पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,15,000 के साथ हमारा आ रहा था स्कूटर और यहाँ हो गया 1,30,000, मतलब हम कह सकते हैं कि 15,000 यहाँ पे भी प्लस हो गया और भैया यहाँ पे भी 15,000 प्लस हो गया। तो ये 15,000 जो प्लस हुआ है आप यहाँ पे तो मैनेज कर लिए, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस अपग्रेड जैसा ऐसा कोई प्लान यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे आप देखेंगे 44,000 सब्सिडी मिल रहा था और इतने का स्कूटर आ रहा था 1,60,000 के समथिंग, इसमें माइनस करने के बाद ये प्राइस आपका बन रहा था। अभी जो प्राइस होगा देखेंगे आप 44,000 और यहाँ है सीधा 20,000, है ना, लगभग यहाँ पे हम कहते हैं 24-25,000 का डिफरेंस, लेकिन इन्होंने क्या किया तो 1,59,000 जो इनका प्राइस था उसको इन्होंने कर दिया 1,50,000। कहने का मतलब यहाँ पे सीधे प्राइस में 10,000 की गिरावट आपको दिख रही है, 10,000 वो और बाकी के यहाँ से 10,000 मतलब 25,000 वाला वो, तो 15,000 और 10,000 मिलके 25,000। आपको क्लियर हो रहा होगा कि ओला ने अपने आप को नंबर वन पे रखने के लिए कहीं ना कहीं बहुत कंप्रोमाइज किया है, कस्टमर के साथ कहीं ना कहीं समझौता किया है, लेकिन ये कब तक होगा कैसे होगा इसको कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों बताते हैं, अभी एक नई अपडेट निकल के आई है, वो क्या अपडेट निकल के आई है कि कहीं ना कहीं लोगों ने
2 किलोवाट। जी हाँ, इस S1 के अंदर 2 किलोवाट और 3 किलोवाट दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है 2 किलोवाट और एक है 3 किलोवाट। अब ये 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के साथ जिन्होंने 2 किलोवाट परचेस किया था, बुक किया था, जिन्होंने 2 किलोवाट को बुक किया था, कंपनी ने उन सारे कस्टमर को एक मैसेज फॉरवर्ड किया है कि आपका जो 2 किलोवाट है उसको कैंसिल किया जाता है और आप अपना रिफंड ले सकते हैं। जी हाँ, अब ये कंपनी ने ऐसा क्यों किया, 2 किलोवाट 3 किलोवाट के साथ इन्होंने अनाउंस तो कर दिया लेकिन वो कहीं ना कहीं बना नहीं पा रहे, और बना भी रहे तो उनको कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है जिस प्राइस में वो रखे थे, कहीं ना कहीं फेम टू के आने की वजह से उनको अब वो चीज़ ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। और कैंसिल भी ऐसे टाइम में किया है, अभी जैसे आप देख लें तो ये है 29 तारीख, 29 मई की बात है, और 29 मई को आप देख सकते हैं कि सारे लोगों के पास मैसेज आ गया। अब आप बात कर लें कि 31 मई से पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिन लोगों का 31 मई से पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उन लोगों का तो चलो ठीक है कि पहले वाले प्राइस में हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बुक भी कर रखा है और अगर आपका 31 तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज़ प्राइस ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अब वो प्राइस बढ़ के जो आएगा, हमने आपको इसके पहले आपको बता दिया सारा कहानी कितना बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो 2 किलोवाट वाले जो कस्टमर हैं उनका कॉल आ रहा है कि अब हम क्या करें। ठीक है, हम क्या करें, कहीं ना कहीं हमने 2 किलोवाट बुक किया, हमारे लिए सफिशियंट था, हमने एयर बुक नहीं किया, एयर पे भी प्राइस बढ़ने वाला है 10 से 15 हज़ार, आँख बंद करके आप रख लीजिए, उसमें भी 2 किलोवाट अब आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ये 2 किलोवाट कैंसिल किया गया तो एयर के अंदर भी 2 किलोवाट को कैंसिल किया जा सकता है ना, तो 3 किलोवाट और 4 किलोवाट आपके पास वहां पे भी ऑप्शन होगा, तो 10,000 से 15,000 के बीच वहां पे भी आपको रेट में डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। जिन्होंने 2 किलोवाट बुक कर रखा है उनके पास क्या ऑप्शन होगा, या वो रिफंड लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो गया कि भैया हमने इतने दिन वेट भी किया और हमारा स्कूटर भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये डिसाइड करना चाहिए कि जैसे दिवाली में बुक किए, जिन्होंने एयर दिवाली में बुक किया था उनका जो 2.5 किलोवाट में उन्होंने लॉन्च किया था, या 2.5 के साथ उन्होंने लॉन्च किया था, और उन कस्टमर को ये 3 किलोवाट दे रहे हैं जैसे इन्होंने मूव किया, वैसे ही 2 किलोवाट अगर आप नहीं लॉन्च कर पा रहे या आप नहीं बना पा रहे, उसकी कॉस्टिंग नहीं आ पा रही, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को 10 से 15 हज़ार, जी हाँ 10 से 15 हज़ार कॉस्ट आप ऐड करके कहीं ना कहीं उन्हें 3 किलोवाट पर शिफ्ट कर सकते थे, क्योंकि आप 80,000 वाले कस्टमर को 80,000 रुपये जो पे करेंगे उन कस्टमर को भी कहीं ना कहीं आपने दिया 3 किलोवाट। ठीक है, क्योंकि 85,000 के साथ आपने लॉन्च किया था और 5,000 का आपने वो डिस्काउंट दिया था दिवाली का, तो 80,000 के साथ अगर आप दे सकते हैं तो आप 85,000 वाले को भी आप 3 किलोवाट दे सकते थे, तो कहीं ना कहीं, या फिर आप उनको थोड़ा ऐड करके कहीं ना कहीं एक नए रेट के साथ आप दे सकते थे। कैंसिल करना एक सही उपाय या सही ऑप्शन नहीं था ओला की तरफ से। तो ये था आज का अपडेट। एयर के ऊपर अगर बात कर लें तो अगले महीने, जी हाँ अगर हम बात करें तो जुलाई से ये जो है आपको डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। प्राइस यहाँ पे भी 10 से 15 हज़ार, जी हाँ आंख बंद करके आप देख लीजिए, आपको जो प्राइस दिख रहा है वो 10 से 15 हज़ार का वो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन होगा, ये मैंने जहां तक मेरे से हो सकता था मैंने कोशिश किया आपको कन्विंस करने का, समझाने का। अगर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।